अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपकी जो है डिप्लोमा इंजीनियरिंग गर्ल्स की फर्स्ट फॉर्म लिस्ट आ चुकी है। बॉयज़ की अभी तक लिस्ट नहीं आई है, डेट कल की थी लेकिन अभी तक नहीं आई है, लेकिन चांसेस हैं कि अभी इस बॉयज़ की भी लिस्ट आ जाएगी। गर्ल्स के डैशबोर्ड पे कल से ही मतलब दिखाने लगा था, वहाँ पे फीस पेमेंट का ऑप्शन आ गया था, इस वजह से यहाँ पे लिस्ट भी अपलोड कर दी गई है। लेट आई है लेकिन लिस्ट जो है आपकी आ चुकी है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, और ये डाटा बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा आपका कि जितनी भी वेटिंग क्लियर हुई है कैटेगरी वाइज, कितनी कौन सी कैटेगरी में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है और जनरल में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। जैसे ही बॉयज़ की लिस्ट आती है तो बॉयज़ पर भी आपको बता देंगे कि कितनी वेटिंग जो है फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में क्लियर हुई है। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म लिस्ट को देखते हैं, तो इसके अंदर जो है आपका ब्रांच वाइज सब कुछ, रोल नंबर के साथ ब्रांच भी लिखी हुई है, आपका रोल नंबर है और जो भी आपको ब्रांच अलॉट की गई है वो यहाँ पे सामने आपके लिखी हुई है। टोटल 125 गर्ल्स को सिलेक्ट किया गया है डिप्लोमा इंजीनियरिंग के लिए। फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में आप देखेंगे तो 125 स्टूडेंट्स की यहाँ पर लिस्ट आई है पूरी। अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई ब्रांच आपको जैसे पसंद नहीं आ रही है, जैसे इस रोल नंबर के लिए लेदर एंड गुड्स मिला है, तो अगर आपको ये ब्रांच नहीं चाहिए, आप अपग्रेड करना चाहते हैं, जब आप फीस पे करेंगे, फीस पे करने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि आप क्या अपग्रेड करना चाहते हैं, तो उस पर आपको बस येस पे क्लिक करना है। अगर सीट वैकेंट रहती है तो आपका अपग्रेड हो जाएगा। अपग्रेड की लिस्ट जो आएगी वो आपकी सेकेंड फॉर्म लिस्ट जब आएगी गर्ल्स की, उसके साथ में ही आपकी अपग्रेड भी लिस्ट भी आ जाएगी। तो अब बात करते हैं इसमें कितनी वेटिंग क्लियर हुई है। तो इसमें जो है जनरल कैटेगरी में 458 तक वेटिंग क्लियर हो गई है। ये इसमें जो है आप देखेंगे तो 458 का भी आपको इसमें रोल नंबर मिल जाएगा फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में, और इसमें कोई भी कैटेगरी नहीं है, तो 458 तक आपकी जो है जनरल वेटिंग क्लियर हो गई है। उसके बाद बीसी कैटेगरी में एक भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है, तीन वेटिंग क्लियर हुई है लेकिन वो जनरल में से हुई है उनकी क्लियर। बीसी कैटेगरी में वेटिंग नहीं क्लियर हुई है क्योंकि इसमें सीट्स भी बहुत कम थी, इस वजह से इसकी वेटिंग भी क्लियर नहीं हुई एक भी। उसके बाद सी कैटेगरी में आपकी 48 वेटिंग तक क्लियर हो चुकी है कंफर्म इसमें, और सीए में आपकी 23 वेटिंग जो है वो क्लियर हुई है कंफर्म। उसके बाद एससी कैटेगरी में 11, डीएस कैटेगरी में 14, एनसी कैटेगरी में 2, और सीजी एसटी पीएच इन सब में एक भी वेटिंग क्लियर नहीं हुई है। तो ये जो है जो पूरा डाटा है गर्ल्स की आपका फर्स्ट फॉर्म लिस्ट का, इतनी वेटिंग जो है पूरी क्लियर हो चुकी है। सेकंड फॉर्म लिस्ट आएगी कि नहीं आएगी, तो डेफिनेटली सेकंड फॉर्म लिस्ट जो है इसमें आने वाली है, और इसमें भी आपके 600 से ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने के चांस हैं सेकंड फॉर्म लिस्ट में। फर्स्ट फॉर्म लिस्ट में इतनी एक्सपेक्टेड नहीं थी लेकिन ज़्यादा वेटिंग जो है क्लियर हो गई है 458, तो सेकेंड फॉर्म लिस्ट में आपका ये 600 से ज़्यादा वेटिंग क्लियर हो जाएगी। और इसमें गर्ल्स में आपकी 3 फॉर्म लिस्ट तो आती हैं डिप्लोमा में, तो इसमें 3 फॉर्म लिस्ट आएंगी और सेकेंड फॉर्म लिस्ट में आपका जनरल में 600 तक हो जाएगा। उस तरीके से सी में भी ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने के चांस हैं, 70 तक पहुंच जाएगा ये आपका। सी में शायद इतनी वेटिंग ना क्लियर हो, ये 30 तक वेटिंग क्लियर हो जाए। एससी में हो सकता है आपकी 2 से 3 वेटिंग और क्लियर हो जाए। डीएस में भी आपका ये 3-4 वेटिंग और क्लियर हो सकता है। एनसी में वेटिंग क्लियर होना अब मुश्किल है। तो ये सब जो है आपका सेकंड फॉर्म लिस्ट जब भी आएगी आपको इसी पे बता देंगे कि सेकंड फॉर्म लिस्ट में कितनी वेटिंग क्लियर हुई है, और बॉयज़ की भी जैसी लिस्ट आती है आपको इसी चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपका कोई और डाउट हो ब्रांच के रिगार्डिंग या फिर डिप्लोमा के कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप लोग इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।